Good morning guys, myself Saurav Srivastava. Started going to teach you today Geography Chapter 2, okay? Physical feature of India, and in today's class I'm going to discuss about the Northern Plain. The Northern Plain has been formed by the Northern Plain. What will you get down? The Northern Plain. इसके बारे में अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं कि the Northern Plain has been formed by the interplay of the three major river system, namely Indus, Ganga and the Brahmaputra. ठीक है, यानी कि Northern Plain जो है वो mainly तीन बड़ी बड़ी नदियों से मिलके बना है. आपसे पूछा जाए कि Northern Plain तीन नदियों से मिलके बना है, तो आपका आंसर होगा क्या कि इंदस, जिसे हम सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद गंगा, और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र. ये तीन मेजर नदियों से मिलके क्या Northern Plain बना हुआ है, ओके. और साथ में इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, मतलब इससे जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, इससे मिलके भी हमारा Northern Plain बना हुआ है, ठीक. द प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. Northern Plain जो है वो टोटली किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन आपको Northern Plain में दिखाई देगा. तो ये मेजर पॉइंट्स आप नोट करेंगे, कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल, ओके. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इज वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. मतलब कई सौ सालों से यहाँ हिमालय के नीचे हिस्से में एल्यूवियल सॉइल पाया जाता रहा है, जिसको बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है. मतलब एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है इंडिया में. इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल में कुछ भी पैदा कर सकते हैं, सोना चांदी नहीं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स पैदा कर सकते हैं. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एल्यूवियल सॉइल बोला जाता है, या मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड बोला जाता है. इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया, इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. मतलब एल्यूवियल सॉइल जो Northern Plain में पाया जाता है कितना होता है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इतना बड़ा एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, और विड्थ जो है इसको दो रेंज में दिया गया है, ये 240 किलोमीटर से लेकर के और 320 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है. तो इसका एरिया ये हो गया, और ये डेंसली पॉपुलेटेड है. डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब सबसे ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन इसी बेसिन में होता है, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड बेसिन कहलाता है, या डेंसली प्लेन कहलाता है. एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चर एंड अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट, ये पूछा सकता है कि इंडिया का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कहाँ पे सबसे ज्यादा अनाज पैदा किया जाता है, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? Northern Plain में पैदा किया जाता है. द रिवर कमिंग फ्रॉम द Northern Mountain एंड लॉन्ग इट डिपोजिशनल वर्क. Northern Plain में जितनी भी नदियां आती है, सभी नदियों के पानी का यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किया जाता है, ओके. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप, एलिवेटेड मतलब स्लोप होने के कारण द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेवन आइसलैंड. नदियों के पानी की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, इसकी वजह से कहीं कहीं हमें छोटे छोटे आइसलैंड भी देखने को मिलते हैं. माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड. अब देखिए, इसमें से एक सबसे बड़ा आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, किसके द्वारा बनाया गया है? नदियों के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड ब्रह्मपुत्र में है, जिसका नाम क्या है? माजुली. क्या नाम है? माजुली, MAJULI. माजुली एक आइसलैंड है जो नदियों के द्वारा बनाया गया, ठीक है. आइसलैंड मेनली समुद्रों के द्वारा बनाया जाता है, ओशियंस के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन नदियों के द्वारा बनाया गया है, और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है. द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स. जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये कई सारे पार्ट्स में, ये ट्रिब्यूटरी में
डिवाइड होती चले जाते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को मेनली तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अच्छा पूछेगा कि नॉर्दर्न प्लेन कितने सेक्शन में डिवाइड है, तो आप कह सकते हैं थ्री सेक्शन में नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया गया है। वो तीन सेक्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं। पहला पार्ट किस नाम से जाना जाएगा, पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाएगा। ओके दूसरा पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो किससे मिलकर बना है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, इंडस रिवर से और इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दूसरा कि द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी दूसरा प्लेन है जो जिसको हम कहते हैं क्या, सबसे लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज द झेलम, दूसरा पाकिस्तान में है एंड द चेनाब द रावी एंड द बीज ऑफ द सतलुज ओरिजिनेटेड बाय द हिमालय दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय द दोआब। कहने का मतलब कि टोटल थ्री पार्ट में डिवाइड है जिसमें से एक पार्ट इंडिया में है। ठीक है पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द जो इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरी नदियों के द्वारा बनाया गया है द लार्जर पार्ट, और इस प्लेन का जो बड़ा पार्ट है वो पाकिस्तान में है एंड द इन और किसके द्वारा बनाया गया है, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाया गया है। द चेनाब द रावी एंड द बीज और सतलुज ये सारी नदियां जो हिमालय की हैं वो किससे हैं, ये सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, और इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, दोआब्स कहते हैं। अब देखिए दोआब का मतलब क्या होता है, दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दोआब दो वर्ड से मिलकर बना है, डू और प्लस आ। जो दोआब के अभी हमने जिक्र किया दो आ, तो दोआब किससे मिलकर बना है, डू और प्लस आ। ठीक है जिसका मतलब होता है डू मीनिंग टू, दो का मतलब दो, दो दो का मतलब टू, टी डब्ल्यू टू, और आब का मतलब होता है आपका वॉटर वॉट। ठीक है इसका मतलब कि पंजाब में जो टू वर्ड्स, पंजाब भी दो, पंजाब भी किससे मिलके बना है, पंजाब भी दो वर्ड से मिलके बना है, पी यू एन जे पंज प्लस आ पंजाब, मतलब पांच नदियों से मिलके बना है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंजाब बोला जाता है। द गंगा प्लेन्स एग्जिस्टिंग बिटवीन घग्घर एंड तिस्ता रिवर, गंगा का जो प्लेन है वो और आगे बढ़ता है गंगा और तिस्ता रिवर के पास जाने पर। इट हैज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पासली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखेंगे हम लोग कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नॉर्थ इंडिया में हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार पासली झारखंड वेस्ट बंगाल और ईस्ट पर्टिकुलरली आसाम भी ब्रह्मपुत्र प्लेन के एरिया में आते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब्स एट एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिले, नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको हम जनरली एक फ्लैट लैंड के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है कि दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव द डाइवर्स रिलीफ फीचर, कि इसमें अलग अलग तरह के फीचर पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर रीजन, नॉर्दर्न प्लेन को फोर रीजन में डिवाइड किया गया है, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन नैरो बेंड्स ऑफ अबाउट 8 टू 16 किलोमीटर विद लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। ठीक है मतलब जो शिवालिक की पहाड़ियां है उसके हम 8 टू 16 हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां है 8 टू 16 किलोमीटर के आसपास हम चले जाते जाए तो आसपास जितने भी प्लेन्स पड़ते हैं वो उसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है ओके अब आइए द पेनिनसुलर प्लेट्यू, आज अब क्या डिस्कस करेंगे हम लोग द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू ओके अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टैबलेट कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन,
ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू जो है इसको ओल्ड क्रिस्टलाइन बोला जाता है, इग्नस बोला जाता है, मेटामोर्फोइक रॉक्स से बना हुआ बोला जाता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। इसे माना जाता है कि गोंडवाना लैंड के टूटने से ये बना है या इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसको ओल्डेस्ट लैंडमार्क भी बोला जाता है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। इस प्लेट्यू में ब्रॉड बड़े बड़े शैलो वैलीज हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां। देखिए कभी कभी हम पहाड़ियों को क्या है? पहाड़ियों को हिल बोला जाता है और कुछ को हम रॉक्स बोलते हैं, तो इन दोनों में अंतर है कि इन्हें क्यों हिल्स और इन्हें क्यों रॉक्स बोला जाता है। हिल्स का मतलब कि 300 मीटर तक, जीरो से लेकर 300 मीटर तक हाइट वाले को हिल्स बोला जाता है, और 301 से लेकर के 100 तक को क्या बोला जाता है, उसको हम लोग रॉक्स बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके अब देखिए कि दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इस प्लेट्यू को दो ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड किया गया, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड, पहले को सेंट्रल हाईलैंड बोला गया है, दूसरे को डेक्कन प्लेट्यू बोला गया। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। दिया है कि नर्मदा नदी के आसपास का बड़ा हिस्सा जिसे मालवा प्लेट्यू कहते हैं वही हमारा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और द विंध्य रेंज और विंध्य पर्वत जो है इसके चारों तरफ सेंट्रल हाईलैंड, ऑन द साउथ सेंट्रल हाईलैंड के साउथ की तरफ अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम की तरफ, द फर्दर वास्ट वर्ल्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो है सैंडी और रॉकी डिजर्ट ये सारा, एंड द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, और इस रीजन में जितनी भी नदियां बहती हैं, जिसे जिसमें एक नदी हमारा क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जो साउथ वेस्ट से और बहती हुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं, दस इंडिकेटेड द स्लोप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या स्लोप बना हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो चौड़ा है की तरफ वेस्ट की तरफ, लेकिन ईस्ट की तरफ क्या है, संकरा यानी कि नैरो का है, नैरो शेप में है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। ठीक है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन इस प्लेट्यू मतलब इस प्लेट्यू के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड, जिसे आज हम बुंदेलखंड जानते हैं या बहेलखंड पहले जाना जाता था। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो किससे बना हुआ है, इसी से, द पेनिनसुला प्लेट्यू के दामोदर रिवर से बना हुआ है। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क दैट लाइज ऑन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नर्मदा रिवर के साउथ में एक ट्रायंगुलर लैंडमार्क बनाता है। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, व्हाइल द महादेव द कश्मीर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन। दिया है कि सतपुड़ा रेंज में के ईस्टर्न एक्सटेंशन में तीन चीजें देखने को मिलती है, पहला द महादेव, दूसरा द कैमूर हिल्स और तीसरा मैकाल रेंज। लोकेट दिस हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया एंड द डेक्कन प्लेटू इज हायर इज द वेस्ट स्लोप जनरली ईस्ट वाइड। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू की हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और स्लोप भी बढ़ता चला जाएगा। ओके द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट और ईस्ट पार्ट को अलग करता है, किसके, डेक्कन प्लेट्यू के। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट को वेस्टर्न कोस्ट बोला जाता है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली लोकेट द थार भोर पाल घाट इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में अगर इसे आप देखने की कोशिश करेंगे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के नाम से फिजिकल मैप में आपको दिखाया गया है। कौन कौन से नाम से, तीन, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से दिखाया गया है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स जो है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचे ऊंचे हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर, जिसकी एवरेज एलिवेशन का एलिवेशन जो है वो एलिवेशन इसको कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, इसको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। क्लस्टर में आप जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा।
नीचे से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो इसको अंकल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और ऊपर से अगर नीचे हम देखेंगे तो इसको अंकल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एलिवेशन हाइट जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो मेनली 900 से 1600 मीटर तक मिली जाती है। ठीक है, अगेन 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट आर स्टेटेड फ्रॉम द महा नदी वैली टू द नीलगिरी इन साउथ। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली नीलगिरी साउथ में स्थित है। तो इसमें और डिटेल आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ओके, और कोई अगर डाउट होगा तो उसे आप लोग ग्रुप में ही पूछेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हमारा द इंडियन डिजर्ट, तो आप लोग उसके अच्छे से पढ़ लेंगे करके। थैंक यू सो मच।